तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन गिवन फिगर आई स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओ ए बी सी हमको दे रखा है, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी इसका जो डायगोनल होगा, या इसको हम बोले हाइपोटेनियस, वो हम इसको में फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा स्क्वायर रहता है ना, मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूँ। ये हमारा सपोज करो कोई स्क्वायर है, इसकी साइड अगर हमारी ए है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस निकलेगा, या इसको हम बोले डायगोनल, वो हमारा होगा ए रूट टू। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इस ओ बी को ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ से जो हमारा इसका हाइपोटेनियस है, इस वाले ट्राइंगल का बेसिकली, या इसको हम बोलें डायगोनल, तो वो हमारा होगा 15√2। तो जो ओ बी होगा ना दोस्त, वो हमारा आ जाएगा 15√2। यही हमारी क्या होगी, इस क्वाड्रेंट की क्या होगी, हमारी रेडियस हो जाएगी। जो हमारा ओ बी निकला ना 15√2, ये हमारी इस क्वाड्रेंट की रेडियस होगी। तो अभी जस्ट हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो इस क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है ना, वो होता है दोस्त हमारा 1/4 πr² तो पाई को मैं यहाँ पे 3.14 पकड़ के चल रहा हूँ, इंटू r². तो रेडियस अभी हमने फाइंड की थी 15√2 × 15√2, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से हम स्क्वायर के एरिया को। स्क्वायर का एरिया हमारा आ जाएगा 15 × 15। तो आई होप आपको इतनी चीज़ पकड़ में आ गई होगी। अभी देखो दोस्त, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा 2 से जा रहा है 2 जा, और ये हमारा जा रहा है 1.57 टाइम्स, और ये √2 √2 मल्टीप्लाई करके ना आपको 2 दे देगा, और उस 2 से ना ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ना 15 × 15 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो मैं 15 × 15 को बाहर पकड़ रहा हूँ कॉमन। यहाँ पे जस्ट हमारा बच रहा है 1.57, और यहाँ पे बचेगा 1। तो आई होप दोस्त आपको इतनी चीज़ पकड़ में आई होगी। अभी 15 × 15 ये हमारा आ जाएगा 225, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से ये मिल रहा है 0.57, तो इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अभी इसको हम 225 × 0.57 करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 128.25 cm². तो यहाँ पे दोस्त जो हमारा ऑप्शन बी है ना, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट।